सीआईएफ नंबर कैसे निकाला जाता है, वो भी एसबीआई में अगर आप खाता खुला है तो अपने अकाउंट का जो है सीआईएफ नंबर कैसे निकाला जाता है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा कि कैसे सीआईएफ नंबर निकाला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश अपने घर में पासबुक भूल चुके हैं तो अगर आप निकालना चाहते हैं इंटरनेट की सहायता से तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। और दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, बेसिकली यूज होता है और कई जगह पर सीआईएफ नंबर का यूज होता है। तो यहां पे अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड भूल जाते हैं योनो एसबीआई, चाहे हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करें एसबीआई की तरफ से जो यूज होता है, तो वहां पे भी आपको ये काफी मदद करेगा यूजर नेम और पासवर्ड निकालने में सीआईएफ नंबर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, कोई भी आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, तो जैसे ही आप उस ब्राउजर में ओपन करेंगे तो आपको लिखना है www.onlinesbi.com। ये लिखने के बाद आप सर्च कर देंगे, सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों, आप डायरेक्ट इस पेज पे आना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है, योनो के बगल में जो है पर्सनल बैंकिंग। तो यहाँ पे लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है, तो दोस्तों यहाँ को कहा जा रहा है यूजर नेम और पासवर्ड देने के लिए। तो दोस्तों, आप अकाउंट बनाते समय यूजर नेम पासवर्ड दिए होंगे, वही आपको यहाँ पे देना है। अगर आप भूल चुके हैं यूजर नेम और पासवर्ड तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वीडियो देख के ये पता लगा सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड कैसे निकलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए यूजर नेम और पासवर्ड भर लेंगे, उसके बाद ये जो कैप्चा है यहाँ पे हम इसका फिल कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन पे हमको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट जो भर लेते हैं। तो दोस्तों, सब कुछ भरने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, लेकिन सही सही भरना है। तो लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों, जो आपके पासबुक में नाम है तो वही आपको यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम अभी आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 लाइन जो है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको माई अकाउंट एंड प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अकाउंट समरी उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको अकाउंट समरी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट समरी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आ गए हैं, पर्सनल डिटेल जो कि अकाउंट नंबर है, उसके बाद कहाँ पे आपका ब्रांच है, सारे कुछ यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है सीआईएफ नंबर तो यहाँ पे देखिए नीचे में व्यू नॉमिनेशन एंड पैन डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट नंबर है, मेरा जो है अकाउंट का सीआईएफ नंबर है। तो यहाँ पे आप जो है बहुत ही आसानी तरीके से आपको सीआईएफ नंबर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, हम आपको लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं, यही है सीआईएफ नंबर। और यहाँ पे आपका पैन रजिस्टर भी मिलेगा, अगर आप खाता खुलवाए समय पैन कार्ड का नंबर दिए होंगे तब यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेरा पैन कार्ड का जो नंबर यहाँ पे। दोस्तों, आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है सीआईएफ नंबर, आपको मिल गया है और आप भी इसी तरीके से फॉलो करके अपने अकाउंट का सीआईएफ नंबर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसको चाहें तो बंद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया है और आपको मदद मिली है सीआईएफ नंबर निकालने के लिए। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।